बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट और सिंपल सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ गार्लिक मेयो सॉस की। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है ये। ब्रोस्ट वगैरह के साथ आप इस डिप का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ आप देखिए मैं इसको कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने ब्लेंडर ले लिया, इसमें मैं 2 एग यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले वो मैंने इसके अंदर डाल लिए। मैं यहाँ पे एग योक भी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और जस्ट एग वाइट भी यूज़ करके इस सॉस को बना सकते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 2 टेबलस्पून विनेगर है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके साथ मेरे पास यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके साथ 1 टेबल स्पून मेरे पास शुगर है, जो इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ में मेरे पास 3-4 लहसुन के जवे हैं, जो इसमें मैंने बारीक काट कर वो ऐड कर दूँगी। आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को डालकर मैं ब्लेंडर में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर देखिए ब्लेंडर चल रहा है और इसके साथ ही इसमें मैं ऑलिव ऑयल इसमें ऐड करना शुरू करूँगी। ऑलिव ऑयल मैं उस वक्त तक इसमें डालती रहूँगी जब तक इसकी थिकनेस मुझे जितनी मुझे रिक्वायर्ड है उतनी नहीं हो जाती। यहाँ पर देखिए गार्लिक मेयो सॉस रेडी हो चुकी है। मुझे इतनी ही थिकनेस इसकी रिक्वायर्ड थी। आपको इसकी जितनी थिकनेस चाहिए आप उतनी देर तक ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कीजिएगा। ब्रोस्ट वगैरह के साथ आप इस सॉस या डिप को यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में 1 एग के मुताबिक मैंने इसकी रेसिपी शेयर की है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी रेसिपी देख लीजिएगा। आपको मेरी गार्लिक मेयो सॉस की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।